आयुर्वेद में चला सकते हो और एलोपैथी को भी चला सकते हो, तो ये बड़ी सफलता मिली है। एक भारत सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च की है आरोग्य संजीवनी, 3,000 रुपए से 5,000 रुपए लेती है आपसे सरकार और 3 लाख तक का इलाज आयुर्वेद में फ्री करती है, 80 से 90% लोगों की बंद हो जाती है। और यही बात फार्मा माफिया को हजम नहीं होती, उनको तकलीफ होती है, तुम कैसे कह सकते हो शुगर ठीक हो सकती है, तो हम आजकल क्या बोलते हैं शुगर रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट पर भी लागू। HIIMS अपने आप में एक विशेष एकीकृत अस्पताल है जो प्राकृतिक तरीके से बीमारियों को ठीक करता है। आयुर्वेदिक इलाज आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक बोझ को भी कम रखता है। आचार्य मनीष ने आज मेरठ में एक नए अस्पताल के साथ साथ एकीकृत चिकित्सा विज्ञान संस्थान HIIMS के एक नए केंद्र का शुभारंभ किया। HIIMS पहले से ही चंडीगढ़, लखनऊ सहित उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों में बड़ा नाम कमा चुका है। ये पहला एकीकृत अस्पताल है जो अपने रोगियों के इलाज हेतु आयुर्वेदिक के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक, यूनानी और आहार चिकित्सा के माध्यम से इलाज करता है। HIIMS के डॉक्टरों ने किडनी विफलता, लिवर विफलता, कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज मुहैया कराया है। HIIMS मेरठ केंद्र के शुभारंभ अवसर पर HIIMS और शुद्धि क्लिनिक के संस्थापक योग गुरु आचार्य मनीष ने कहा कि HIIMS में हमारा लक्ष्य किसी भी बीमारी के मूल कारण का पता लगाना है और इसके लिए हम विशेष तौर पर एकीकृत विज्ञान को इस्तेमाल में लेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे गुर्दे की विफलता या कर्क की विफलता या कैंसर जैसी पुरानी और गंभीर बीमारी ही क्यों ना हो, ना जाने कितने ही मरीजों के लिए हमारा आयुर्वेदिक इलाज उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आया है। कई ऐसे मरीज भी आए जो कि ठीक होने की उम्मीद भी खो चुके थे, परंतु हमारे माध्यम से उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और क्या कुछ कहना है आचार्य मनीष का वो आपको सुनाते हैं। जी, इसी के मैं बताऊंगा कि अगर मैं ये कहूंगा कि भारत अगर विश्वगुरु बनेगा तो दो ही वजह से बनेगा, एक तो भारत के दिमाग की वजह से, एक भारत की नॉलेज की वजह से और भारत के आयुर्वेद की वजह से। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है और पूरे विश्व का पैसा भारत में लाना है तो भारत सरकार को चाहिए आयुष को इतनी मदद करे, मैं गारंटी देता हूँ पूरे विश्व का हर पेशेंट इस भारत में इलाज कराने आएगा। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पूर्व मोदी जी ने गुजरात में, हम वियतनाम, मॉरिशस, मालदीव्स, नेपाल, भूटान इन और टोटल 14 देशों के लोगों को बुला रहे हैं कि हम आपको दिखाते हैं कैसे किडनी रिजनरेट करती है, कैसे लीवर रिजनरेट करता है, कैसे कैंसर बॉडी खुद हराती है, ताकि दुनिया इसको देखे। आप लोगों ने देखा होगा अभी, मैं एक आधे मिनट में बोलना चाहूँगा कि अभी मोदी जी ने खुद बोला था एक ओलिंगा के राष्ट्रपति की बेटी की आंखों की रोशनी भारत में वापस आई, जबकि 40 देशों के चक्कर काट चुकी थी वो, तो उन्होंने खुद कहा आयुर्वेद में भारत को हब बनना चाहिए। तो हमने तो मोदी जी की बात पकड़ ली है, योगी जी को इनवाइट करेंगे कि इसका विधिवत उद्घाटन करें और हम चाहते हैं कि आयुष की वजह से ही भारत के लोग स्वस्थ रहें, ताकि देश का पैसा भी देश से बाहर ना जाए। सर, मैं कोरोना का, मुझे मेरे पास 60,000 कोरोना पेशेंट का डाटा है जिनको 1 रुपये की दवाई नहीं दी गई, कहीं भर्ती नहीं किया गया और उनका कोरोना बिल्कुल नॉर्मल 3 से 7 दिन में आया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक संस्था है NIN, उन्होंने खुद हमारे अहमदनगर सेंटर में आके रिसर्च करी, जांच करी और सही पाया और उसको अप्रूव भी किया। लेकिन जैसे ही वो खबर हमने मीडिया को दी, इमीडिएटली हमें नोटिसेज आ गए इमीडिएटली, क्योंकि मेडिकल माफिया जागृत हो गया उस टाइम पे कि भैया दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएंगी अगर ये रिपोर्ट छप जाएगी। सर, हम लोग अपना इनके मुँह, इनकी लड़ाई इनके तरीके से लड़ते जा रहे हैं। हमने क्या करा, अपनी टीम में कुछ वकीलों को शामिल किया है, कुछ बड़े बड़े एलोपैथी डॉक्टर्स को शामिल किया है, ताकि इनके कपड़े इनसे ही फटवाएंगे। हम बोलते हैं ना तो हम पे केस करते हैं। अब क्या है, हम अपने MBBS MD डॉक्टर रखे हैं हम लोगों ने, हमारी टीम में पीछे फोटो लगी होगी आप देख सकते हो, वो जो साइड पे है डॉक्टर अवधेश पांडे वो MBBS MD है, ये जो इधर कॉर्नर पे है ये डॉक्टर अमर सिंह आजाद, ये भी MBBS डबल MD है, और खादर वली जी फूड साइंटिस्ट अमेरिका रिटर्न है, और डॉक्टर बिस्रूप को तो पहले ही वो अपनी लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने शुगर को रिवर्स करने की टेक्निक भारत में लॉन्च की, DIP डाइट। तो हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं
और आपका सहयोग चाहिए हमें।